हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम रायबरेली। एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ अमूल के सिंपल होममेड रेसिपी लाइव सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे पहाड़ी आलू के गुटके और उसके साथ हम बनाएंगे मिंट का लच्छा पराठा। तो आइए इंग्रीडियंट दिखा देती हूँ, फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आलू के गुटके बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर आलू लिया, जिसे अच्छे से बॉईल कर लेना है। बॉईल करके ठंडा करके इसका जो है क्या नाम है, इसे ठंडा जरूर करना है, तभी हमारे गुटके अच्छे बनेंगे, नहीं तो आलू जो है वो मैसी सा हो जाता है। इसलिए इसे ठंडा जरूर करिएगा। तो उसके लिए हमें क्या है, यहाँ पर हमें लेना है, यहाँ पर हमने अदरक लिया, जिसे पहले अच्छे से वॉश कर लिया, फिर इसे टुकड़ों में कट कर लिया। और यहाँ पर हमें धनिया की है जो डंठल होती है उसे लेना है, और दो हरी मिर्च ली है जिसे कट कर लिया है। एक चम्मच हमने यहाँ पर साबुत धनिया लिया है, और तड़के के लिए हमने हाफ टेबल स्पून यहाँ पर राई ली, और 1 टेबल स्पून हमने जीरा लिया, और ये हम गार्निश करेंगे धनिया से। और इसमें कुछ सूखे मसाले भी डालेंगे, जैसे कि 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया, 1/2 टेबल स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, और यहाँ पर हमने 1/2 टेबल स्पून ही 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर और 1/2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर गरम मसाला लिया है। और हम जो पराठा बनाएंगे, हम इसके साथ में लच्छा पराठा बनाएंगे, जिसमें हम पुदीने की पत्तियों का यूज करेंगे, और हम थोड़ा सा यहाँ पर हींग भी यूज करेंगे। और आज का जो हमारा मेन मतलब हीरो इंग्रेडिएंट्स वो है अमूल का बटर यूज करेंगे और अमूल का घी यूज करेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक मसाला रेडी करना है। तो यहाँ पर हमें लेना है एक इमाम दस्ता, आप चाहो तो इसे सिलपट्टे पर भी पीस सकते हो, या आप मिक्सी के जार में भी डालकर चला सकते हो। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर धनिया लिए है, इसे हमें हल्का सा पहले कूट लेना है। इस तरह से हल्का सा कूट लेने के बाद हम इसमें जो हमने यहाँ पर अदरक रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे, और ये यहाँ पर हरी मिर्च मैंने 2 ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च कम ज्यादा भी कर सकते हो। और जो हमने यहाँ पर धनिया की डंठल ली है, इसे थोड़ा सा हम बारीक कट कर लेंगे, जिससे कि हमें क्रश करने जब हम इसे क्रश करेंगे तो ये जल्दी से क्रश हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसे चॉप कर लेना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये पहाड़ी गुटके आलू की, जो कि बनाने में जितना आसान है, खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, और कैसी लगी हमारी रेसिपी कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब इसी में इसे हम ऐड कर देंगे। अब हम सारे मसालों को अच्छे से क्रश कर लेंगे इस तरह से। इसे हमें बिल्कुल बारीक इस तरह से क्रश करना है कि सारे मसाले अच्छे से क्रश हो जाएं। इसी मसाले की वजह से ही हमारे जो है आलू बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होंगे। अगर आपके पास इमाम दस्ता नहीं है तो आप इसे जो सिलवट वाला सिलौटा होता है उसमें भी इसे आप पीस सकते हो, नहीं तो फिर आप मिक्सी का जार लीजिए और उसमें भी डालकर आप इसे पीस सकते हो। बस इससे क्या है कि सिलवट्टे से और इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे ग्राइंड कर लिया। इसमें हम डाल देंगे जो सूखे मसाले लिए हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च,
फिर ये जो सारे मसाले हमने यहाँ पर धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला लिया, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। नमक हम बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। हल्का सा इसे हम और ग्राइंड क्रश करेंगे। उसके बाद इसमें आप 1 टेबल या 2 टेबल स्पून के अराउंड पानी भी ऐड कर सकते हो। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा 1 टेबल स्पून पानी ऐड कर दे रहे हैं और अच्छे से इसे हमें कूट लेना है सारे मसालों को। ये देखिए इस तरह से हमें इसे अच्छे से महीन सा कूट लेना है। थोड़ा सा और हम इसे वो करेंगे, कूटेंगे, फिर हम रिस्टी बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब इसे हम रख देंगे एक साइड। और एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप इस रेसिपी को लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक बड़ी सी लोहे की कढ़ाई। अब इसमें हम ऐड करेंगे सरसों का तेल। तीन चम्मच हमने यहाँ पर सरसों का ऑयल लिया है। जैसे ही ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम तड़का ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच रचना जी, थैंक यू सो मच। हेलो मधु जी। तो फ्रेंड तेल को गरम करना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा इसमें धुआं निकलने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी सिंपल सिंपल सी रेसिपी देखना है तो आप हमें यूट्यूब चैनल पर भी विजिट कर सकते हो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो कुकिंग फूड्स के नाम से, और यूट्यूब पे कुकिंग फूड विद सीमा के नाम से आप सर्च करोगे आपको वहाँ पर बहुत सारी सिंपल सिंपल सी होममेड रेसिपीज मिल जाएंगी। आज हम बना रहे हैं पहाड़ी आलू के गुटके एंड उसके साथ हम बनाएंगे मिंटे के पराठे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा हींग ऐड कर देंगे और अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1 टेबल स्पून जीरा और 1/2 टेबल स्पून राई। जैसे ही राई और जीरा क्रैकल हो जाएंगे हम इसमें ऐड कर देंगे ये लाल मिर्च 3 से 4, आप अपने हिसाब से भी इसे ऐड कर सकते हो। और जैसे ही ये पक जाएगा इसमें हमने जो यहाँ पर मसाला बना के रखा है इसे ऐड कर देंगे। जैसे ही फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को बनाओगे मसालों की खुशबू इतनी प्यारी आती है कि आपका किचन बहुत अच्छे से खुशबू आती, पूरा किचन महक उठेगा आपका। इसे हमें अच्छे से भून लेना है। आप देख ही रहे हो कितना सुंदर सा कलर आया है हमारे मसालों का। और जो इसमें हमने धनिया ऐड किया है इससे ही आलू का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब हमने यहाँ पर जो बॉईल करके आलू रखे हैं उसे ऐड कर देंगे।
बहुत ही क्विक रेसिपी है फ्रेंड, बहुत ही झटपट बन जाती है और साथ ही साथ बहुत ही टेस्टी भी लगती है। आप इसे रोटी, चपाती, पूरी किसी भी चीज़ के साथ बनाकर खा सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना कि आप इसे लोहे की कढ़ाई में ही बनाना, तो इसका टेस्ट बहुत ही निकल कर आता है। आप कढ़ाई को अच्छे से मांजोगे तो वो बहुत ही साफ रहती है। तो फ्रेंड्स, मेरी मेड बहुत अच्छे से कढ़ाई को मांजती है जो कि एकदम से नीट एंड क्लीन रहती है। अब हमने यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया और इसे हल्का सा हमें भून लेना है। फ्रेंड, आलू हमेशा इसमें ठंडा यूज करेंगे तो क्या होगा, आलू हमारे जो गरम रहेंगे तो वो मिक्स होने लगते हैं, फिर अच्छे नहीं लगते वो देखने में। आप इसे ऐसे भी चाय के साथ आ जाए स्नैक यूज कर सकते हो। अब हम यहाँ पर डाल देंगे कटी हुई धनिया की पत्ती और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। बस आपने देखा, झटपट हमारे आलू के गुटके रेडी हो गए हैं। बिना मेहनत के आप इतनी स्वादिष्ट रेसिपी बना सकते हो, तो आप लोग जरूर से जरूर ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद खाकर हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आप फ्रेंड्स पास से देख सकते हो कितना सुंदर जो हमने इसमें मसाला डाला है, उसे देखते ही आपको खाने का मन करेगा। तो ये लीजिए, हमारे आलू बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं मिंट का पराठा बनाकर। आज हम मिंट का लच्छा पराठा बनाएंगे। अब इसे मिक्स साइड रख देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम यहाँ पर तवा भी लोहे का यूज कर रहे हैं और हमारा तवा कितना नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल लग नहीं रहा ना कि ये लोहे का तवा है। थैंक यू सो मच मधु जी। तो गैस की फ्लेम हम स्लो कर दे रहे हैं क्योंकि हम तब तक पराठा बेल रहे हैं। फ्रेंड, पराठा के लिए मैंने पहले से ही डो प्रिपेयर करके रखा है। इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला था और एक सॉफ्ट इसे लगाकर हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया। तो इस तरह से हमें सॉफ्ट डो बनाना है। अब इसकी हम लेंगे एक बड़ी सी लोई इस तरह से और हम लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके सबसे पहले एक पतली सी चपाती की तरह हम इसे बेल लेंगे। जैसे हम चपाती बनाते हैं ना, बस वैसे ही इसे हमें बेलना है। बस थोड़ी सी हमें इसे पतली बेलना है। इसमें मैं नमक डालकर गूथा था ना, तो थोड़ा सा ये गीला हो गया है। तो इस तरह से हमें बेल लेना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अमूल का घी लिया। सबसे पहले हम इसे अच्छे से घी को लगा देंगे इस तरीके से। इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें रेड चिली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर सॉल्ट ऐड करेंगे।
और ये हमारा होममेड मसाला है, जिसमें हमने 2 मिर्च लिया था, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा कलौंजी, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा धनिया डालकर इसे हल्का सा रोस्ट कर लेना है। और रोस्ट करने के बाद इसे हमें पीस लेना। आप इसे आलू में या किसी भी चीज में डालकर खाओ, बहुत ही टेस्टी मसाला बनकर रेडी होता है। तो इस तरह डाल देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया हुआ है ये मिंट लीव्स, इसे पहले अच्छे से तोड़ लेना, फिर सॉफ्ट कर लेना। उसके बाद हमें इसे नाइफ से, कभी भी आप एक बात याद रखिए कि मिंट को कभी भी नाइफ से मत कट करिएगा। इस तरह हाथों से छोटे छोटे टुकड़े करके फिर ऐड करिए, आप चाहे जिसमें भी डालना हो इस तरह हाथों से। इसका फ्लेवर पराठे में बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से हमें अच्छे से इस पे चिपका देना। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा, डस्ट करेंगे आटा थोड़ा सा, और इस तरह से जैसे ये हम उठा उठा के ऐसे इसे रोल कर लेंगे। ऐसे इस तरह से उठाएंगे और इसे ऐसे बस ऐसे ही करके रोल करते चले जाएंगे। और फिर इस तरह से ये ऐसे रोल कर लेंगे हम घुमाते हुए। और जो ये वाला पार्ट है उसे हम इस तरह ऐसे, तो इस तरह से हम ये इसे बनाकर रेडी कर लेंगे। हल्का सा हम यहाँ पर आटा डस्ट करेंगे। आप चाहो तो ऐसे ही बनाकर रख लो, जब खाना हो तब आप इसे बेलकर गर्मा गर्म बनाकर खा सकते हो। बस इसे हमें हल्के हाथों से ही बेलना है, ज्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो फिर हमारे लच्छे दिखेंगे नहीं। अगर हम इसे दाब दाब कर बेलेंगे तो लच्छे हमारे गायब हो जाएंगे। तो ये लीजिए, पराठा भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तवा भी हमारा गरम हो चुका है। अब हम जो पराठा अपना सेकेंगे उसमें हम यूज करेंगे अमूल का बटर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अमूल के सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं और ऑर्गेनिक भी होते हैं। तो ये देखिए, एक तरफ हमारा पराठा सेक चुका है। हम यहाँ पर लगाएंगे ये अमूल का बटर, यहाँ पर यूज करेंगे हम। अच्छे से इस तरह से बटर को हमें लगा देना है। अभी हम आपको दिखाएंगे कितने अच्छे से लच्छे हमारे पराठे में आए हैं। तो आप लोग दोनों रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा, स्पेशली आलू के गुटके जरूर बनाइएगा और खाकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगा और ये रेसिपी आपको कैसी लगी। पराठा हमारा रेडी हो जाए फिर हम आपको इसे प्लेट में सर्व करके भी दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे इसके एक एक लेयर सब पूरी तरह से दिख रहे हैं। पराठा हमारा बनकर रेडी होगा और जो हमने इसमें मिंट
मिंट का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है पराठे में। फॉर वॉचिंग माई बैक ऑफ।